फ्रेंड स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड मेरे पास है रियलमी 6 प्रो, तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव किया जाता है। आज के वीडियो में यही सीखेंगे। और फ्रेंड इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, आप भी सोच रहे हैं यार मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर को कैसे सेव करूँ, तो आइए आपको कॉन्टैक्ट नंबर को आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। कॉन्टैक्ट नंबर को ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस दिखेगा। और क्या करना है आपको, यहाँ पे जो भी आपका कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप सोच रहे हैं यार नंबर कैसे सेव करूँ, तो आपको यहाँ पे नंबर डायल कर लेना है। नंबर डायल करने के बाद आप सोच रहे हैं कि फ्रेंड कि यार मेरे पास यहीं पे ही नंबर है, तो आप जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके रखें और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है न्यू कॉन्टैक्ट। यहाँ पर न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक कर दें अगर है तो, नहीं तो आप नंबर डायल भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप उसका नाम लिख दे, जो भी नाम है उसका नाम लिखने के बाद यहाँ पे अगर उनके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है ईमेल, अगर उसका ईमेल है तो ईमेल भी लिख सकते हैं। होम एड्रेस भी लिख सकते हैं आप यहाँ से। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, उसके बाद यहाँ से सेव कर देना है, तो आपका बड़े आसानी से नंबर सेव हो जाएगा। और चाहते हैं कि यार मैं शॉर्ट फॉर्म में नंबर सेव कर रहा हूँ तो सोच रहे हैं फ़ोटो लगाने को, तो आप फ़ोटो भी यहाँ से लगा सकते हैं। तो फ्रेंड आज की वीडियो में आपने सीख लिया है कि नंबर कैसे सेव किया जाता है। तो फ्रेंड आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर सब्सक्राइब लाइक बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।